कश्मीर के इकलौते रह गए। कुलगाम में यह लड़ाई कट्टरपंथियों और वामपंथियों के बीच है। चुनावों के पहले दौर से एक हफ्ते पहले तलवारें खिंच चुकी हैं। वामपंथी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अलगाववाद, आतंकवाद और कश्मीर में लोगों की हत्याओं को लेकर जमात इस्लामी पर हमला बोल रहे हैं। कश्मीर में पिछले 30 वर्षों में ये पहली बार है कि जमात की भूमिका को लेकर सार्वजनिक तौर पर इस तरह चर्चा हो रही है, क्योंकि पाबंदी वाले इस संगठन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। Martyred, whether terror, counter-terror, whatever, cycles of violence, who did it? So you are saying Jamaat was behind those killings? Behind, not behind, in the open front. Kahe na logon ko ki humne galat kiya. Kahe na apne gunah, gunahun ke liye awam ke saamne kahe na hume maaf karo. 1987 mein Muslim United Front ke banner tale Jamaat ne Kulgam seat jeeti. Jamaat ke samarthan se aatankwad phailne और चुनाव बायकॉट के बाद 1996 में तारिगामी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। तब से वो ही इस सीट से जीत रहे हैं। यूएपीए के तहत 2019 से जम्मू कश्मीर में जमात पर पाबंदी है, इसलिए जमात के उम्मीदवारों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। कुलगाम से सयार अहमद रेशी वामपंथी दबदबा खत्म करने के लिए तारिगामी को चुनौती दे रहे हैं। वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि वामपंथ हर जगह हारा है, अब कुलगाम की बारी है। कम्युनिज्म का खात्मा हो गया है, कम्युनिज्म तहलील हो चुका है, और याद कीजिए वल्ला वल्ला आईने रात आखोपत खेत दरन हो गोपकृष्ण सिंह खेत दरी कर इंतराये। जमात के उम्मीदवार आतंकवाद और अलगाववाद में किसी भी तरह से शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वो साबित कर देंगे कि वो देश के वफादार नागरिक हैं। तो आप कहते हैं वो रेड फ्लैग जो कम्युनिस्टों की नहीं, उसकी अब यहाँ जगह नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब बैन तो हटनी चाहिए थी। हमें बड़ा यकीन था कि ट्रिब्यूनल के हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी, हमारे हक में था सब कुछ, लेकिन बैन तो नहीं हटी। अलबत्ता हम भी सो के क्या करेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है। हमारा एक खास मिशन है, वो ये है कि हम लोगों के काम आ जाए। 100% मुस्लिम आबादी वाले कुलगाम में वामपंथी नेता को पूरा यकीन है कि धर्म पर आधारित राजनीति की हार होगी। वो मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद और लोगों की मौत में जमात के रोल की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आतंकवाद के दौर में जो हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए थे, उनमें कई लोग कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, एक कमीशन बनाया जाए। अगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा रिकंसिलेशन का, और लोग जानेंगे कौन कहां खड़ा है। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।